हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल यंग राइड्स। रात में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हमारी जो बाइक है उस पर हम लोग LED इंडिकेटर्स जो है इसका मॉडिफिकेशन करने वाले। आप लोगों को पता होगा कि अपाचे में जो स्टॉक इंडिकेटर्स होते हैं वो हैलोजन के होते हैं, तो आज मैं ये चेंज करके LED इंडिकेटर लगाने वाला हूँ। और जो LED इंडिकेटर्स होने वाले वो ये रहे, ये इंडिकेटर्स मैं लगाने वाला हूँ। अब ये मैं एंड में बताऊँगा कि कौन से ब्रांड का है। अगर आप मॉडल देख के गेस कर पाते हो तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करो कि कौन से ब्रांड का है, बाकी एंड में तो मैं बता ही दूंगा। ये इंडिकेटर्स चेंज करने के लिए पहले हमको ये जो दो स्क्रू है यहाँ पे, ये दोनों को ओपन करना है। ऊपर के जो दो स्क्रूज है वो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ट है, इसको सिर्फ आपको लूज करना है, निकालना नहीं है, एक थोड़ा सा लूज करना है। ये साइड एक है और इस तरफ एक है, तो जैसे ही आपने ये बोल्ट जो है वो लूज किया तो इसका आगे का ये जो पार्ट है ये ऐसे आगे आ जाएगा। बोल्ट है ये वाले इंडिकेटर का, तो आपको ये 14 नंबर का पाना लगेगा, इससे आपको ये लूज करना है, इंडिकेटर अलग हो जाएगा ऐसे। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, तो यहाँ से आपको ये पार्ट खींच के बाहर निकालना है। सो आपका ये जो इंडिकेटर है लेफ्ट वाला आगे का, ये अलग हो जाएगा, इंडिकेटर निकल। इस तरीके से आपको इंडिकेटर खोलना है, आगे का दोनों इंडिकेटर इसी तरीके से खुलेगा। मेटल का पीस है ये, जब मैं इंडिकेटर इसमें डालेंगे तो मेटल का पीस अड़ेगा, इसलिए एक काम कर सकते हो, या तो आप ये कट कर दो ये वाला पीस, या फिर यहाँ पे होल ड्रिल करो। अपाचे में जो स्टॉक है वो होल ऊपर की तरफ है तो वो काम आएगा नहीं, इसलिए हमको या तो होल ड्रिल करना है यहाँ पे, या फिर ये पीस कट करना है। मैं ये पीस इसलिए कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कट करके लगाता हूँ तो ये जो इंडिकेटर है ये घूमता रहेगा, इसलिए मैं होल ड्रिल कर रहा हूँ और फिर ये इंडिकेटर को फिट करना है। अरे गाड़ी में होल कर रहे हैं या गाड़ी में आग लगा रहे हैं? सो गाइस, बियर ग्रिल से मैंने सीखा है, मैन वर्सेस वाइल्ड वाले चैनल में, ऐसे करने से आग लगती है। आग लगा रहा है गाड़ी में। ये साइड का होल करके हो गया, अभी वो दूसरी साइड का होल करने की तैयारी। बेसिकली आपको दो जगह पे होल ड्रिल करना पड़ेगा, पीछे वाला जो राइट साइड का इंडिकेटर है इसलिए आपको ये यहाँ पे आपको होल ड्रिल करना पड़ेगा, और आगे साइड का लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है वहाँ पे आपको होल ड्रिल करना पड़ेगा। बाकी जो पीछे का लेफ्ट है और आगे का राइट है उसमें होल ड्रिल किया हुआ रहता है, वो आप डायरेक्ट फिट कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे दो जगह पे होल ड्रिल करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी किया। तो ये अभी फिट हो चुका है, ये अब सिर्फ यहाँ से इसको वायर जो है वो अंदर से डालना है और यहाँ से वायर को बाहर निकालना है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों टर्मिनल अलग अलग है। ये एक इंडिकेटर का है लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का इंडिकेटर का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें दो वायर है। और जहाँ की हमारा जो ये LED इंडिकेटर है इसमें एक ही वायर में दोनों दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया। सो गाइस, कुछ इस तरीके से हमारे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। तो पीछे के इंडिकेटर्स मैंने स्क्रू टाइट करके लगा दिए, अभी आगे का भी लग चुका है इंडिकेटर्स, कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। देख सकते हो एक कलरफुल, एक ब्लैक है और एक ग्रे कलर है इसमें, और यहाँ पे एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। ब्लैक को ब्लैक में डालना है हमको, वो नेगेटिव है ऐसे, ये हो गया इसका, और यहाँ पे फिर मैं इसको प्रॉपरली टेप से रोल आउट कर दूंगा ताकि ये अपने जगह से हिले नहीं। तो गाइस, चारों इंडिकेटर्स मैंने लगा दिए, लेकिन एक सीन है जब हम लोग गाड़ी ऑन कर रहे हैं और जब मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, ये देखो इतना ऑन हो के ये बंद हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि ये जो गाड़ी में स्टॉक जो इंडिकेटर्स थे वो हैलोजन थे, तो LED पे स्विच करने के बाद इतना पावर ले नहीं रहा है, तो हमें ये जो रिले है ये चेंज करना पड़ेगा, जो फ्लैशर इसका जो रिले होता है इंडिकेटर का रिले, तो ये बेसिकली मिंडा का है और ये आपको 70-80 रुपए में मिल जाता है रिले। तो ये लगाना कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो पार्ट है राइट साइड का जो पार्ट है, यहाँ पे तीन बोल्ट होते हैं, एक दो और यहाँ पे तीन, ये तीनों बोल्ट खोलने के बाद आप इस पार्ट पे एक्सेस कर पाओगे। बेसिकली जो बैटरी वाला साइड है वो आपको ओपन करना है, और फिर अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ऊपर एक पार्ट है जहाँ पे ये रिले लगा हुआ है, तो हमारा स्टॉक रिले ये वाला, तो इसको हमको निकालना है, ये देख सकते हैं आप,
ये वाला स्टॉक रिले था, ये इसका रिले है मिंडा का, तो इसको डीसी रिले बोलते हैं बेसिकली। तो आप अगर ये लेने जाते हो तो डीसी रिले बोलना 12 वोल्ट का, तो ये रिले इसके अंदर डालना है। ओके, तो पहले स्टार्ट करके देखते हैं, फिर इसको हम लोग फिट करेंगे। और सो अभी जो है इंडिकेटर्स है वो प्रॉपरली ग्लो कर पा रहे हैं। जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ इंडिकेटर्स का। ये एलईडी इंडिकेटर्स है, और अभी मैं इसके ब्रांड का नाम बता देता हूँ कौन से बाइक का है। ये है हुक्सवर्ना, जो KTM की जो बाइक होती है हुक्सवर्ना, स्मार्ट पिलियन, वाइट पिलियन जो भी है, वो ये हुक्सवर्ना का ब्रांड का इंडिकेटर है। तो काफ़ी ब्राइट है एक्चुअली, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ऑन किया था। फ्रंट का आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट है एक्चुअली। और ये राइट वाला बेसिक है, वायरिंग का थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मेरे पास कुछ स्टॉक है और मैं थोड़ा कम प्राइस में दूंगा। वहाँ पे आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा अगर आप शोरूम में विजिट करते हो, तो मेरे पास ओरिजिनल थोड़े कम प्राइस में आपको मिलेगा। अगर आपको परचेस करना है तो इंस्टाग्राम में मुझे DM कर दो, मैं आपको प्राइस और जो भी है सब कुछ बता दूंगा। इंस्टाग्राम का जो ID है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे कि इसमें मैं हैजार्ड लाइट कैसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। अगर हैजार्ड लाइट वाला सिस्टम आपको देखना है तो इसके नेक्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमलेश हियर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय। थैंक्स टू सुमित जो इस वीडियो को शूट कर रहा है, रात के 1:51 हो रहे हैं और हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि अंधेरे में आपको ये लाइट का जो फ्लैश है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये रात को शूट करने का सोचा। एंड और एक बात, इसका जो रिले है, क्योंकि हम लोग ने नया रिले डाला इसलिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली ये थ्रो कर रहा है। पुराना रिले थोड़ा डल हो गया रहेगा, इसलिए उसका थ्रो इतना अच्छा था नहीं। ऑल्सो थैंक्स टू श्रीनिकेत जिसका चैनल है KM पर आर ब्लॉग, उसके गाइडेंस के वजह से और उसका ब्लॉग फॉलो करके ही मैंने ये सब इंस्टॉलेशन कर पाया हूँ। ये एक बोल्ट है, बोल्ट बोलते हैं या स्क्रू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल्ट बोल सकते हैं। हाँ, बोल्ट ही।